नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग UPSC और स्टेट PCS की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए, जो हमारे साथी हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। और इसी सीरीज़ में आज हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न पेपरों यानी न्यूज़पेपरों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग शुरू करते हैं, और ये बेसिकली एक आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस भी है, जिसमें आपको आपके चारों पेपर्स के जो टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस होंगे उनका अलग अलग एनालिसिस किया गया है। तो आप इसको देखिए और अपने साथियों को भी भेजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है वो पेपर्स की कटिंग, पेपर्स का जो कल यानी हमारा 1 मई को जो करंट अफेयर था उसी को लेकर बनाया गया है। तो पहले टॉपिक्स में आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC, ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो संदर्भ क्या है इसका, पहले इसको देखते हैं कि इजराइल चिंता व्यक्त कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में हमास के खिलाफ युद्ध के संचालन से संबंधित आरोपों पर सरकार अधिकारियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की तैयारी कर सकता है। यानी जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ कह लो, या फिर आप इजराइल पर जो पिछले अक्टूबर में हमले हुए थे, जिसमें इजराइल पर हमले किए थे फिलिस्तीनी, एक संगठन है जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय हमास संगठन के तौर पर जाना जाता है, और उस हमास को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, और उस संगठन को समाप्त करने के लिए इजराइल ने एक काउंटर अटैक किया था जो काफ़ी लंबा चल रहा है, जिसके तहत उसने गाजा पर काफ़ी तेज़ी से हमले किए थे। और इस हमले के दौरान उसे कई देशों ने, पड़ोसी देशों ने चुनौती भी दी थी, धमकी भी दी थी, और उसका एक आप असर देख रहे थे कि इजराइल पर ईरान द्वारा भी कुछ 300 अटैक किए गए थे, ड्रोन हमले किए गए थे। तो इसी को देखते हुए, और जबकि इजराइल ने ये साफ कर रखा है कि जहाँ जहाँ हमास के आवास होंगे या हमास के सेंटर होंगे, मिलिटेंट होंगे, वहाँ पर वो कार्रवाई करेगा। तो इसी कार्रवाई के दौरान अब इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया, काउंटर अटैक किए, तो फिर इजराइल ने चिंता व्यक्त की है कि ICC यानी इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय क्या करेगा, जो आदेश दे रहा है इजराइल के इस अटैक का, उनके खिलाफ क्या करेगा, वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसी में आगे क्या कहा गया है उसे देखें। तो क्या कहा गया है जरा इसे देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इजराइल ने नरसंहार के आरोप लगाकर हमास पर 7 अक्टूबर की सीमा पर हमले और हमास शासित गाजा पर इजराइल की विनाशकारी सैन्य हमले की जांच कर रही है ICC। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, एक बार इसे समझते हैं ये क्या है। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका कार्यालय कहाँ पर है, जिसका द हेग यानी नीदरलैंड में है इसका। ठीक है, इसके पास अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। अब कौन कौन से अपराध हैं, नरसंहार है, मानवता के खिलाफ अपराध है, युद्ध है, और आक्रामकता के अपराध हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों को पूरक बनाना है। यह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालतें सम अपराधियों पर मुकदमा चलाने में अनुच्छुक या असमर्थ हों। यह केवल सदस्य राज्यों के भीतर किए गए अपराधों, सदस्य राज्यों के नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा न्यायालयों को संदर्भित स्थितियों के अपराधों की जांच और मुकदमा चला सकता है। ICC के पास सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकार है का अभाव है। इजराइल अदालत का सदस्य नहीं है इसका, पहली बात ये भी समझिए, इजराइल जो है इसका सदस्य नहीं है और इसके अधिकार क्षेत्र में मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिलिस्तीन के क्षेत्रों में 2015 में इसका सदस्य बना था और ऐसी स्थिति में उसे शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरी बात आगे देखते हैं। दूसरी बात देखें कि
रोम के कानून के अनुसार 2002 में स्थापित आईसीसी को उसके समर्थकों द्वारा न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। सरकारों और नागरिक समाज समूहों से कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और इसके अधिकार क्षेत्र में आपत्तियां, पूर्वाग्रह, यूरोसेंट्रिज्म और नस्लवाद के आरोप भी इस पर लगाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात और देखते हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई के लिए काम करता है। तो आप समझिए कि आईसीजे जो बनाया गया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो इसके अंतर्गत इसराइल पर आरोप लगाया गया है कि वो नरसंहार कर रहा है, तो इसराइल ने अब एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें ये कहा गया है कि इसराइल पर कार्रवाई की जा सकती है, वारंट जारी किए जा सकते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ। तो यहाँ पर इस बात पर फोकस किया गया था और ये न्यूज़ जो थी आपकी, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देखें अगली न्यूज़ हमारी क्या है। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो अगली न्यूज़ जो है हमारी वो भारत के निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित होने में निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया एक कार्यक्रम है, यानी मतदान प्रक्रिया को बाधित होने पर भारत निर्वाचन आयोग के विकल्प के तौर पर देखा गया है। संदर्भ क्या है? भारत के चुनाव आयोग यानी ईसी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी आरपीए, रिप्रेजेंटेड पीपल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत 19 अप्रैल को मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों और अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर मतदान रद्द घोषित कर दिया गया है और इस पर 22 और 24 को पुनर्मतदान किया जाएगा। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा क्षेत्र में भी 9 अप्रैल को एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था और उसके मूल रूप से 26 अप्रैल को होने वाला मतदान अब 7 मई को होगा। ठीक है, इसके बाद पृष्ठभूमि जरा देख लेते हैं क्या है इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की। भारत की चुनाव उन स्थितियों में निपटने के लिए एक रूपरेखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत में चुनाव आयोग चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव। ठीक है, और इन आम चुनावों में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे आरपीए यानी भारतीय निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम को चर्चा में रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के प्रत्याशी थे जिनका नाम था, जो आपके मुरादाबाद के प्रत्याशी हैं, उनकी हालिया में मृत्यु हो गई है, तो उसके भी अंतर्गत प्रश्न उठता है। ऊपर से ये बैतूल में हुआ और पुनर्मतदान की प्रक्रिया भी हुई, तो जो आरपीए हमारा आगामी क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, तो उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। उसी के तहत ये बनाया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है इसे ज़रा समझते हैं। तो इसमें क्या है कि रूपरेखा बताई गई है। तो इसमें क्या है कि जहाँ सामान्य मतदान प्रक्रिया में किसी कारण बाधित होती है, ठीक है, जैसे कि ईवीएम को नुकसान, बूथ कैप्चरिंग की घटना, प्राकृतिक आपदाएं या उम्मीदवार की मृत्यु शामिल है, पुनर्मतदान स्थगन मतदान को रद्द करने के प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनी हुई है। ठीक है, क्या बनी हुई है? निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनी हुई है। ये परिस्थितियाँ आगे क्या बताया जा रहा है जरा उस पर देखते हैं। ये परिस्थितियाँ कब घटित होंगी इस पर जरा विचार करें। वे परिस्थितियाँ जब सामान्य मतदान प्रक्रिया में बाधित होती हैं और प्रत्येक मामले में चुनाव आयोग के समक्ष विकल्प क्या होता है, जैसे जानबूझकर तोड़फोड़ करना या ईवीएम छीन लेना। आरपीए की धारा 58, कौन सी धारा है मित्रों? 58, जिसके अंतर्गत मतपेटियों को नष्ट होने आदि के मामले में ताज़ा मतदान कराया जाता है और उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। किसी अनाधिकृत व्यक्ति के गैरकानूनी तरीके से ईवीएम ले ली गई हो। दूसरा, किसी भी ईवीएम को गलती या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया हो या खोवा दिया गया हो या क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो या उसके साथ छेड़खानी की गई हो। तीसरी, वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी ईवीएम में यांत्रिकी खराबी आ जाए। ठीक है, ऐसे मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ तुरंत चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को प्रासंगिक तथ्यों और भौतिक परिस्थितियों के बारे में सूचित करता है, जिस पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग मतदान को शून्य घोषित कर सकता है। औपचारिक रूप से चुनाव की तारीख और समय
तय कर सकता है और नया चुनाव घोषणा कर सकता है। सभी मतदाताओं को नए मतदान में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं की बाईं मध्यमा उंगलियों में मूल मतदान के दौरान बने निशान यानी बाईं तर्जनी उंगली में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें बनाया जाता है और फिर आपका किसमें कराया जाएगा, जब पुनर्मतदान होगा तो बाईं मध्यमा उंगली में यानी इसमें कराया जाएगा, ठीक है आपका, और अंतर की स्याही लगाई जाती है। ठीक है, आगे क्या है, दूसरी घटना क्या है, दूसरी घटना है बूथ कैप्चरिंग की। किसकी है मित्रों, बूथ कैप्चरिंग की घटना। इसमें क्या है, आरपीए की धारा 135 से वो थी छीना या नष्ट करना ईवीएम के लिए, वो थी धारा 58 और ये है 135 से परिभाषित करता है बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधि शामिल है, किसी मतदान केंद्र पर कब्जा करना जिससे चुनाव का संचालन प्रभावित हो, किसी मतदान केंद्र पर कब्जा करना केवल अपने या समर्थकों के मतदान की अनुमति देना, किसी निर्वाचक को डराना या धमकाना, ठीक है, किसी मतगणना के स्थल पर कब्जा कर लेना, उपरोक्त किसी भी गतिविधियों में सरकारी सेवा में किसी भी व्यक्ति की भागीदारी होती है। बूथ कैप्चरिंग के लिए कम से कम 1 वर्ष की सजा हो सकती है और आम लोगों के लिए 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सजा कितनी हो जाएगी, ये सजा 5 साल की मित्रों हो जाएगी। ठीक है, धारा 58A बूथ कैप्चरिंग के आधार पर मतदान स्थगित करना या चुनाव रद्द करने के तहत यदि किसी मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग होती है तो मित्रों संचालन नियम 1961 की धारा 49X के तहत नियंत्रण इकाई से इकाइयों में इसे तब्दील कर दिया जाता है। दूसरी बात, यदि रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करता है कि संचार के सबसे तेज माध्यम से आम चुनाव का पूर्ण तथ्य रिपोर्ट करता है, भौतिक तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग निम्नलिखित कर सकता है, क्या कर सकता है, निम्नलिखित काम, जैसे उस मतदान केंद्र पर मतदान शून्य घोषित कर सकता है, नई तारीख का निर्देश दे सकता है, बड़ी संख्या मतदान केंद्रों बूथ कैप्चरिंग हुई है तो ऐसे वोटों की गिनती की प्रभावित हुई है तो निर्वाचन चुनाव आयोग क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं अगर आती हैं तो पुनर्मतदान की बात होती है, प्राकृतिक आपदाओं पर भी क्या होगा, पुनर्मतदान होगा। ठीक है, यदि किसी उम्मीदवार, हालांकि ये इस साल हुआ है, बैतूल में एक उम्मीदवार की मृत्यु हुई है और चुनाव के बाद मुरादाबाद में भी भाजपा के प्रत्याशी कुंवर मानवेंद्र सिंह या कुछ समथिंग ऐसा ही नाम है, तो उनके लिए भी ये प्रावधान होगा कि अगर चुनाव रद्द होता है, अगर वो जीतते हैं तो पुनर्मतदान होगा, अगर वो नहीं जीतते हैं तो पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, दो भावन आरपीए की धारा 52 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में मतदान की स्थिति स्थगित हो जाएगा और जिसके चुनाव चिन्ह आरक्षण आदेश के तहत प्रतीक करता है, ठीक है, मृत्यु में चुनाव रद्द हो जाता है। ठीक, आगे क्या है, आगे है साल्मोनेला। ठीक है, साइंस का टॉपिक है ये, क्या है, साल्मोनेला। है क्या, महासियान डी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड यानी MDH, ठीक है, के शिपमेंट साल्मोनेला संदूषण के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कड़े कदम उठाए हैं। क्या स्थिति है, यह स्थिति खाद्य उत्पादन और वितरण में कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के महत्व को रेखांकित करती है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में अधिकारी ऐसी घटनाओं को बारीकी से नज़र करते हैं। अब साल्मोनेला घटना है क्या, जरा पहले उसको समझते हैं हम लोग कि साल्मोनेला है क्या, पहले उसे देखते हैं। तो मित्रों साल्मोनेला जो है बैक्टीरिया का एक समूह है जो गैस्ट्रो इंसाइटेनल बीमारी और बुखार का कारण बनता है जिसे साल्मोनेला मेनोलिसिस कहा जाता है। यह बैक्टीरिया स्वाभाविक रूप से जानवरों की आंतों में रहते हैं और उनके मल में पाए जाते हैं।
यदि मनुष्य वातावरण में संक्रमित जानवर या दूषित वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो वह साल्मोनेला से संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा, यह सर्वव्यापी और कठोर जीवाणु शुष्क वातावरण में कई हफ्तों तक पानी में और कई महीनों तक जीवित रहता है। ठीक है, साल्मोनेला से संक्रमित लोगों को दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन का अनुभव होता है। यूएसए के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार साल्मोनेला संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 1.2 मिलियन बीमारियों से 23,000 लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं और जिनसे 450 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु का कारण बनती है। तो हाल ही में इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कार्रवाई की है और ऐसे कंपनी को इसको क्या करने, रोकने की बात की है। आगे जो है हमारा इकोनॉमी का टॉपिक है, और वो टॉपिक है मितव्ययिता का विरोधाभास, यानी इफिशियंसी। ठीक है, और क्या इसका टॉपिक है, तो बचत में विरोधाभास, जिसे मितव्ययिता का विरोधाभास भी कहा जाता है, अर्लिया वर्षों में चर्चाओं में आकर्षित हुआ है। क्या है, जरा इसे समझते हैं। इस अवधारणा को ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में प्रकाशित किया था और वहीं से ये लोकप्रिय हुआ था। बचत में रोकथाम विरोधाभास के बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्या है बचत में विरोधाभास और रोकथाम, तो मित्रों इसमें यदि हम समझें तो थ्रिफ्ट के विरोधाभास बताता है कि जब लोग अधिक पैसा बचाते हैं खासकर मंदी के दौरान तो इससे समग्र आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाती है। दूसरा, यह विचार व्यापक चक्र में कम उपभोग सिद्धांतों का हिस्सा है जो कमजोर खपत और उच्च बचत को आर्थिक मंदी का कारण बनाता है। ठीक है, थ्रिफ्ट विरोधाभास का अर्थव्यवस्था में प्रभाव क्या पड़ता है इसको जरा देखते हैं। कम खपत, जब आबादी का एक बड़ा प्रतिशत अधिक बचत करता है और कम उपभोग करता है तो इससे उपभोक्ता खर्चा में कमी आ जाती है। मंदी के दौरान लोग आर्थिक अनिश्चितता के डर से एहतियात के तौर पर अधिक बचत करते हैं, हालांकि सामूहिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप समग्र उपभोग स्तर में कमी आ सकती है। आउटपुट में संकुचन होता है, यानी कहने का मतलब है मुद्रा क्या होती है, जेब में आ जाती है, मार्केट में कम रहती है, तो उसका परिणाम क्या निकलता है, खपत घटती है, व्यवसायों में अपने सामान और सेवाओं की मांग में कमी का अनुभव करते हैं व्यवसायी, परिणाम स्वरूप कम उत्पादन करेंगे, आर्थिक उत्पादन में संकुचन होगा, उत्पादन में गिरावट होगी, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों प्रभावित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये द हिंदू में प्रकाशित था जिसका विश्लेषण आपको यहाँ पर कराया गया है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है असम राइफल। असम राइफल ने नागालैंड के मौन जिले में भारत म्यांमार सीमा पर हथियारों और गोला बारूद युद्ध जैसी आपूर्ति के बड़े जखीरे को सफलतापूर्वक क्या किया है, रोक दिया है। क्या है ये, सीमा के क्षेत्र में करीब भारी कैलिबर सैन्य ग्रेड हथियारों और महत्वपूर्ण बरामदी असम राइफल्स द्वारा की गई है। ठीक है, असम राइफल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो असम राइफल, जिसे उत्तर पूर्वी प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसके गठन की अगर हम बात करें, असम राइफल्स बंसावली कछार लेवी में मिलती है गठन, और इसका गठन 1835 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। समय के साथ 1917 में आधिकारिक तौर पर असम राइफल बनने से पहले इसमें कई नाम परिवर्तन हुए, जिसे असम फ्रंटियर पुलिस, असम सैन्य पुलिस और पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस शामिल थे। दोनों विश्व युद्धों में इस बल ने काम किया था और समृद्ध ऐतिहासिक इसकी एक विरासत है। इसको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, उग्रवादी विरोधी बल, असम राइफल पूर्वोत्तर राज्यों को चुनौतीपूर्ण इलाकों में उग्रवाद विरोधी अभियानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी, कानून एवं व्यवस्था, यह भारतीय सेना के साथ मिलकर क्षेत्र और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। तीसरा, भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा बल, भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अवैध गतिविधियों को रोकता है। पूर्वोत्तर प्रहरी स्थानीय समुदायों के साथ घनिष्ठ संपर्क के कारण असम राइफल पहाड़ी लोगों को मित्र कहा जाता है। ठीक है, दूसरी, दोहरी
नियंत्रण संरचना असम राइफल्स दोहरी नियंत्रण संरचना है और इनके पास गृह मंत्रालयों के पास इनके प्रशासनिक नियंत्रण है। भारतीय सेना के पास रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोहरी नियंत्रण व्यवस्था नागरिक प्रशासन और सैन्य अभियान को तालमेल सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा जल व्यापार, क्या है मार्केट, वाटर मार्केटिंग। ठीक है, जैसे जैसे शहरीकरण की गति पकड़ता जा रहा है अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, लेकिन केवल 40% ही उपचार किया जाता है जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग ने उपचारित जल को पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल व्यापार तंत्र शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा कि कई देशों में जल व्यापार जल उपयोग दक्षता और उत्पादकता को हासिल करने में मदद मिली है। जल व्यापार है क्या, जरा इसको समझते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। जल व्यापार क्या है, यह जल बाजार तंत्र है जो पानी को सार्वजनिक वस्तु के बजाय एक वस्तु मानता है और उपयोगकर्ताओं के बीच आवश्यकता के अनुसार व्यापार किया जा सकता है। जल एक कंपनी है, अपना जल का स्वयं स्रोत के बजाय किसी तीसरे पक्ष से पानी खरीद सकती है और उसे उपयोगकर्ताओं को बेच सकती है। जल का स्वभाव स्वामी निर्विवाद होना चाहिए। जल का अधिकार हस्तांतरित किया जा सकता है। जल पुनः उपयोग प्रमाण पत्र व्यापार योग्य परमिट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भारत में केवल जरा देखते हैं क्या है अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के बारे में, तो जरा उसे देखते हैं। भारत में केवल 40% शहरी अपशिष्ट जल उपचार किया जाता है जिसका उसका भी पुनः उपयोग नहीं किया जा रहा। जल का वितरण व्यापक स्थायी और भिन्नताएं हैं। भारत में हर वर्ष 4 महीने में 80% से अधिक वर्षा होती है। 2002 से 2012 में राष्ट्रीय जल नीति निजी हाथों का प्रस्ताव दिया गया और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जोर दिया गया। कृषि अपवास सहित अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रमुख कारण है। ठीक है, अनुमान है कि 80% से अधिक वैश्विक अपशिष्ट जल अनुपचारित जल निकायों को प्रवेश कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट पानी के तनाव में रहने वाले लगभग 80% लोग एशिया विशेष रूप से पूर्वोत्तर चीन के साथ ही भारत में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 निकाले गए भूजल का लगभग 89% सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और धान गन्ना जैसी फसलें 60% से अधिक सिंचाई की खपत करती हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात के कारण भारत का एक बड़ा आभासी शुद्ध निर्यात भी है। ठीक है, जल व्यापार के माध्यम से जो आपका क्या मुद्दे हैं उसे जरा देखते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में ऐसे खेतों के औद्योगिक इकाइयों की आपूर्ति करने कुछ लागतें शामिल होंगी जो ताजे पानी की लागत के साथ साथ प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकती, क्योंकि ताज़ा पानी काफ़ी कम कीमत पर और कभी कभी बिना किसी कीमत पर भी उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि अपशिष्ट जल उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर होती है, इसलिए उपचार प्रक्रिया भी निरंतर होनी चाहिए। हालांकि पूरे वर्ष में स्थिर नहीं हो रह सकती। उदाहरण के लिए फसलों की एक निश्चित अवधि तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं हो सकती। औद्योगिक इकाइयों में मांगें भी भिन्न हो सकती हैं। इसके लिए औपचारिक अपशिष्ट जल के भंडारण की आवश्यकता होगी या उपचारित पानी के अन्य मीठे पानी के स्रोतों को छेड़ने की आवश्यकता होगी। जल उपचारित अपशिष्ट जल को व्यापार योग बनाने के लिए मांग का होना आवश्यक है। संयंत्र में रखरखाव, सीवेज नेटवर्क में व्यवधान, इनलेट सीवेज या उपचारित सीवेज की गुणवत्ता की समस्या, वितरण नेटवर्क में व्यवधान आदि से आपूर्ति को बाधित किया जा सकता है। भारत में पानी को न तो एक वस्तु माना जाता है और ना ही इसका कोई महत्वपूर्ण आर्थिक मूल है। इसका मुख्य कारण मौलिक मानव अधिकार के रूप में पानी की अनिवार्यता में समुचित विचार है। ठीक है, आगे इसमें कैसे बढ़ा जा सकता है इसके लिए विचार देखते हैं। क्या है, जल आवंटन और औपचारित अपशिष्ट जल के मूल्य निर्धारित करने के लिए वैधानिक शक्तियों को प्राधिकरण करने का गठन किया जाए, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाए, औद्योगिक समूह नगरपालिका आवासीय इकाइयों को औपचारित अपशिष्ट का उपयोग किया जाए, पुनः उपयोग के लिए साइट विशिष्ट योजनाओं की तैयारी जहाँ प्रारंभिक योजनाओं GIS उपकरण का उपयोग किया जाए, दूसरा IRA की देखरेख में नियमित निगरानी तंत्र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन स्थापित है, तीसरा
जल तटस्थता अवधारणा इस बात की वकालत करती है कि नए विकास के निर्माण के बाद भी पानी की कुल मांग में उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले थी। जल का पुनः उपयोग को बढ़ावा देना जल तटस्थता को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। कुल मिला के ये है कि जल एक ऐसा संसाधन है जो अनिवार्य है, तो अपशिष्ट जल की मात्रा को हमें अपने उपयोग में लाने के लिए हमारे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये दिखाया गया है कि विश्व के कई देशों में ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो जलों की आपूर्ति के लिए उसका पुनर्यूजीकरण या पुनर्चक्रीकरण के द्वारा हम उसका पुनः उपयोग करते हैं, लेकिन भारत में इसकी कैपेसिटी अभी कम है, तो इसको बढ़ाने की पैरवी की जा रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एनवायरनमेंट के लिए, काफ़ी जानकारीपूर्ण ये लेख है, ठीक है, जो कि हमारे लाइव मिंट में प्रकाशित हुआ था और आपके चौथे पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा आप लोग देखें और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो जरा इसे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसको आपको आज अभ्यास प्रश्न में करने हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपको हमारे अगले वीडियो में यानी कल के करंट अफेयर में डिस्कस किया जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। दो क्वेश्चन ये हैं और एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में इस पर ज़रूर विचार करें। तो मित्रों, ये था आज का करंट अफेयर। कल का करंट अफेयर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका एनालिसिस हम लोग इसी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, और इसके साथ ही जो पेपर हमारे सॉल्व किए जा रहे हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे लगातार, क्योंकि संस्कृति, ध्येय और विज़न और दृष्टि IAS संस्थान के पेपर हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और इसके साथ ही संस्कृति IAS संस्थान का अगला पेपर शीघ्र ही कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे इस करंट अफेयर की क्लास का ज़रूर एनालिसिस कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने विभिन्न पेपरों को में यानी जितने न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से इसको कलेक्ट करके बनाया है, और इन क्वेश्चनों को आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।